आज मैं बनाऊंगी लहसुन वाली सिंपल आलू की सब्जी। सबसे पहले मैंने 1 किलो आलू को छिलकर काट लिया है। अब आलू को 2 से 3 पानी अच्छे से धो लेना है। अब इसे एक छलनी में निकाल लिया है। मैंने कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच तेल डाल दिया है। अब इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। 7 से 8 कटी हुई लहसुन डालकर इसे भून लेना है। अब मैंने यहाँ पर 3 प्याज को पतले लंबे साइज में कट कर लिया है, इसे डाल देना है। प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेना है। अब इसमें थोड़ा सा हींग डालकर इसे भी भून लेना है। एक चम्मच चिली फ्लेक्स डालकर मिक्स कर लेना है। अब कढ़ाई में आलू डालकर आलू को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और 2 मिनट तक आलू को ऐसे ही तेल में फ्राई करना है। अब आलू में स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स करना है। और ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक मीडियम गैस में पकने देना है। सब्जी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, अब ढक्कन निकालकर देख लेना है। आलू थोड़े से कच्चे हैं, इसे 3 से 4 मिनट ढक्कन लगाकर मीडियम गैस में पकने देना है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, ढक्कन निकालकर देख लेंगे। अब सब्जी को बाउल में निकाल लेंगे। आलू की सब्जी बनकर तैयार है।